एटॉमिक मास के पिछले क्लास में हम लोग डिटरमिनेशन ऑफ एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक मास देखे थे। अब सेकेंड मेथड हम लोग देखें डिटरमिनेशन फ्रॉम इक्विवेलेंट मास। सेकेंड मेथड फ्रॉम डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या था? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी। इसलिए एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, और वैलेंसी बराबर क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। यहां हम लोगों को याद रखना है कि वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का हमेशा पूर्णांक होगा, होल नंबर होगा। अगर कैलकुलेटेड वैलेंसी फ्रैक्शनल आता है तो नियरेस्ट होल नंबर को हम लोग वैलेंसी मानेंगे। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी इज ऑलवेज होल नंबर, हमेशा पूर्णांक होगा। इफ कैलकुलेटेड वैलेंसी, कैलकुलेटेड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज ए फ्रैक्शनल नंबर, अगर वह भिन्नांक में आता है, द नियरेस्ट होल नंबर इज टेकन एज वैलेंसी। क्या कहा गया कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का हमेशा पूर्णांक होगा। अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी कैलकुलेशन में फ्रैक्शनल नंबर आता है तो द नियरेस्ट होल नंबर इज टेकन एज वैलेंसी, जो उसका सबसे नज़दीकी पूर्णांक होगा उसको हम लोग वैलेंसी मानेंगे। अब इस मेथड से भी 5 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32.5 ग्राम ऑफ जिंक। मास ऑफ हाइड्रोजन ग्राम में, बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ जिंक ग्राम में, बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, मास ऑफ जिंक 32.5 ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक निकालना है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, 32.5। दिया हुआ है एटॉमिक मास ऑफ जिंक 66, तो वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी बराबर एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इसलिए वैलेंसी ऑफ जिंक कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर को हम लोग नियरेस्ट होल नंबर में चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द ऑक्साइड ऑफ ए मेटल कंटेन्स 52.91% ऑफ द मेटल इफ द formula of oxide is M2O3, what is atomic mass of metal? तो यहां परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम लोग मास को 100 ग्राम मान लें, लेट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड का मास हम लोग मान लें 100 ग्राम, इसमें मेटल कितना है, 52.91%, तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, 52.91 ग्राम। सब्सट्रैक्ट करो तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, 100 में से 52 घटाओगे तो 48.91 to 47.09 ग्राम। अब क्या हो जाएगा, मास ऑफ मेटल इन ग्राम बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन बाई ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, सब जगह ग्राम ग्राम कैसे कर दो, मास ऑफ मेटल 52.91 बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, मास ऑफ ऑक्सीजन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। यहां से हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल लेंगे। फिर क्या कहता है कि मेटल के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, M2O3। इसका मतलब मेटल का वैलेंसी कितना हुआ, 3। तो फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड M2O3, तो M का वैलेंसी कितना हो गया, 3।
फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। M2O3, इसलिए वैलेंसी ऑफ मेटल कितना हो गया, वैलेंसी ऑफ मेटल कितना हो गया 3। तो एटमिक मास ऑफ मेटल क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी। पहला स्टेप में आप इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि 1 ग्राम मेटल ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड गेव 342 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल। व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन एटॉमिक मास। यहाँ क्या सब दिया हुआ है, मास ऑफ मेटल, मेटल का रिएक्शन एसिड से और उससे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो जो इक्विवेलेंट मास में आप लोग पढ़े थे उसके हिसाब, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब इसका टर्म मास के टर्म में है, तो मास ऑफ मेटल किस में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम STP कंडीशन में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। अब डाटा पुट कीजिए, मास ऑफ मेटल कितना दिया हुआ है, वन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। यहां से इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकल गया। फिर क्या कहता है कि और क्या डाटा चाहिए जिससे कि हम लोग एटॉमिक मास निकाल सकें। तो एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल चुके हैं, तो और क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जवाब होगा वैलेंसी। एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इस सवाल में इक्विवेलेंट मास इज कैलकुलेटेड, हेंस टू फाइंड एटॉमिक मास वी नीड इंफॉर्मेशन ऑफ वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल चुके हैं,
एटमिक मास निकालने के लिए क्या और इन्फॉर्मेशन चाहिए? सही जवाब क्या होगा कि एटमिक मास इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी के बराबर होता है। इक्विवेलेंट मास हम लोग निकाल चुके हैं तो क्या निकालना होगा? एटमिक मास निकालने के लिए क्या चाहिए? वैलेंसी। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखें। नंबर ऑफ ग्राम एटम दिया हुआ है, ये एग्जैक्टली इस मेथड का सवाल नहीं हुआ। ये मोल कंसेप्ट का सवाल हुआ। नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम एटम किसको कहेंगे? मोल एटम को। नंबर ऑफ ग्राम एटम बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल एटम। यहां दिया हुआ है 0.01 0074। मास कितना दिया हुआ है? 1.1567 ग्राम इतना मास दिया हुआ है। कैलकुलेट द एटमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो नंबर ऑफ मोल एटम या ग्राम एटम किसके बराबर होता है? मास ग्राम में डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा? मास इन ग्राम बाय नंबर ऑफ मोल एटम या नंबर ऑफ ग्राम एटम। मोल एटम और ग्राम एटम दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करता है। अब देखिए क्या सब दिया हुआ है। मास इन ग्राम, मास इन ग्राम दिया हुआ है, और नंबर ऑफ मोल एटम या ग्राम एटम दिया हुआ है। तो मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल एटम क्या हो जाएगा? 1.1567 ग्राम डिवाइडेड बाय 0.01 0074। यहाँ से हम लोग ग्राम एटमिक मास निकाल लेंगे। ग्राम एटमिक मास निकालने के बाद एटमिक मास अगर निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यूनिट को हटा देंगे। ग्राम एटमिक मास की इकाई ग्राम, लेकिन एटमिक मास की कोई इकाई नहीं होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10। टेन का ए में क्या कहता है? ए बाइवैलेंट मेटल एम हैज इक्विवेलेंट मास 12। फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एम, फॉर्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड एंड मोलेकुलर मास ऑफ इट्स ऑक्साइड। बाइवैलेंट मतलब जिसका वैलेंसी दो हो। क्या कह रहा है कि मेटल का वैलेंसी कितना है? दो। बाइवैलेंट का क्या मीनिंग हुआ? वैलेंसी इक्वल टू
इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 12। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। फिर क्या कहता है, इसके क्लोराइड और का फॉर्मूला, मेटल को हम लोग एम मान लें, क्लोराइड मेटल का वैलेंसी कितना है 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1। तो फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MCl2। फिर क्या कह रहा है कि इसके ऑक्साइड का मास निकालिए, मेटल का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2। इसलिए फॉर्मूला मेटल ऑक्साइड कितना हो जाएगा, MO। तो मोलिकुलर मास ऑफ MO, एटमिक मास ऑफ M प्लस एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 24 + 16 = 40। इसका बी में क्या कहता है, द क्लोराइड ऑफ मेटल एम हैविंग फार्मूला MCl3 कंटेन्स 65.55% ऑफ क्लोरीन, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक मास। परसेंटेज में दिया हुआ है, हम लोग 100 मान लेंगे, तो इतना परसेंटेज क्लोरीन है। लेट मास ऑफ मेटल क्लोराइड का मास हम लोग मान लें 100 ग्राम, तो मास ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम का 65.55 ग्राम। तो मास ऑफ मेटल कितना हो जाएगा, 34.45 ग्राम। अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ क्लोरीन इन ग्राम बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ मेटल बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। यहां से क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल। अब फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड क्या है, MCl3। इसका मतलब मेटल का वैलेंसी कितना हुआ, 3। एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल निकल चुका, फॉर्मूला ऑफ मेटल क्लोराइड कितना दिया हुआ है, मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, MCl3। इसलिए वैलेंसी ऑफ मेटल कितना हो गया, 3। तो एटॉमिक मास ऑफ मेटल बराबर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इनटू वैलेंसी। ये टर्म आपको कैलकुलेटेड है, इसलिए आप क्या निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ मेटल।
तीसरा मेथड है मेथड बेस्ड ऑन ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ, मेथड बेस्ड ऑन ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ। तो नेक्स्ट क्या हम लोग देख रहे हैं, एटॉमिक मास का डिटरमिनेशन फ्रॉम ड्यूलॉन्ग पेटिट्स पेटिट्स लॉ। इसको क्या पढ़ेंगे, ड्यूलॉन्ग। इसको क्या पढ़ेंगे, पेटिट, क्योंकि फ्रेंच वर्ड है। तो ड्यूलॉन्ग एंड पेटिट गेव अ रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स स्पेसिफिक हीट। ड्यूलॉन्ग और पेटिट ने क्या दिया, एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट ऑफ एलिमेंट के बीच एक रिलेशन दिया। अब यहां एक टर्म आया स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट किसको कहेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एलिमेंट बाय यूनिट टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट पहले इसको देखें, स्पेसिफिक हीट ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of its unit mass 1 gram में आ लेंगे हम लोग by unit temperature, इकाई तापमान में परिवर्तन किसका, इकाई द्रव्यमान का। इकाई द्रव्यमान में कोई एलिमेंट मौजूद है उसको इकाई टेम्परेचर से इंक्रीज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। According to ड्यूलॉन्ग and पेटिट्स law, ये दो अलग अलग नाम है, फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच नेम है, इसलिए तो नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे तो। According to ड्यूलॉन्ग and पेटिट पेटिट्स लॉ, द मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट, द मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ
स्पेसिफिक हीट इज अ कांस्टेंट, दोनों का गुणनफल एक कांस्टेंट के बराबर होता है जिसका मान नियरली इक्वल टू 6.4। ये लॉ क्या कहता है कि किसी एलिमेंट को अगर उसी एलिमेंट के स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो गुणनफल लगभग कितना आएगा, 6.4। तो एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द एलिमेंट इज अ कांस्टेंट नियरली इक्वल टू 6.4। तो हम लोग ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ को कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, एटॉमिक मास फॉर एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के लिए एटॉमिक मास गुना स्पेसिफिक हीट का गुणनफल कितना आएगा, 6.4 लगभग। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास को उसी एलिमेंट के स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा, लगभग 6.4। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, लगभग में अप्रॉक्स एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, लेकिन यह रिलेशन इज मेनली वैलिड फॉर, मुख्य रूप से सही है किसके लिए, सॉलिड एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जो नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड अवस्था में हो। तो हम लोगों के पास क्या है, एटॉमिक मास इनटू स्पेसिफिक हीट इज नियरली 6.4। अब हम लोग क्या देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट एटॉमिक मास, कैसे निकालेंगे यूजिंग ड्यूलॉन्ग पेटिट्स लॉ, का उपयोग करके किसी एलिमेंट का एग्जैक्ट एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। तब तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक को फिर से रिवाइज कर लें।